स्प्रेडशीट का परिचय। इस वीडियो में हम स्प्रेडशीट का परिचय के बारे में जानेंगे। स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पैकेज का सामान्य शब्द है जो प्रबंधन में लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली पेपर वर्कशीट को अनुरूप बनाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। एमएस एक्सेल विभिन्न कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें स्वचालित वित्तीय विवरण भी शामिल है। स्प्रेडशीट एक इंटरैक्टिव कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो आयोजन और सारणीबद्ध रूप में डेटा का विश्लेषण करने के लिए बनाया गया है। स्प्रेडशीट्स प्रोग्राम एक प्रतिनिधित्व डेटा एरे की सेल्स पर रो और कॉलम में संगठित रूप में कार्य करती है। एरे सेल्स एक तत्व है जिसमें सांख्यिक टेक्स्ट डेटा या सूत्रों के परिणामों को शामिल किया गया है जो स्वचालित रूप से गणना और मूल्य आधारित सेल्स के तत्व को प्रदर्शित करते हैं। डेटाबेस फॉर्मेट में संग्रहित डेटा को एमएस एक्सेल के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। एमएस एक्सेल एक शक्तिशाली और लचीला चित्रमय प्रस्तुति उपकरण है। एमएस एक्सेल में तीव्र आकलन स्थिति के लिए आंकड़ों के आधार पर रेखांकन या चार्ट बनाया जा सकता है। उपयोगकर्ता को किसी भी संग्रहित मूल्य में परिवर्तन करने के लिए और जीवन मूल्यों की गणना पर प्रभाव का निरीक्षण करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। यह स्प्रेडशीट को विश्लेषण के लिए उपयोगी बनाता है क्योंकि कई मामलों में कठिन मैनुअल की पुनर्गणना के बिना ही जांच की जाती है। आधुनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इंटरैक्टिंग शीट और डेटा को टेक्स्ट संख्यात्मक या चित्रमय रूप में प्रदर्शित करता है। गणित और गणितीय के मूलभूत ऑपरेशन के लिए आधुनिक स्प्रेडशीट वित्तीय कार्यों और सांख्यिकी संचालन के लिए निर्मित फंक्शन को प्रदान करती है। कुल मौजूद मूल्य या मानक विचलन के रूप में उपलब्ध गणनाओं को पूर्व क्रमादेशित की तालिका डेटा को फॉर्मूला के लिए लागू किया जा सकता है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम स्प्रेडशीट कार्यक्रम भी सशर्त भाव कार्यों के टेक्स्ट और संख्या के बीच कार्य को बदलने का काम करता है या टेक्स्ट के स्ट्रिंग पर कार्य करता है। स्प्रेडशीट ने अब दुनिया भर के व्यापार में पेपर आधारित प्रणालियों की जगह ले ली है। एक्सेल मैनिपुलेशन के लिए डेटा को संग्रहित करता है। वर्कबुक एक व्यक्तिगत वर्कशीट का संग्रह है जिसमें डेटा को रखा जाता है। एक्सेल के सभी कार्यों और ऑपरेशन वर्कशीट में जगह लेते हैं। स्प्रेडशीट्स पहले लेखांकन या हिसाब किताब कार्यों के लिए विकसित किया गया था परंतु यह अब किसी भी संदर्भ में सारणीबद्ध सूची का निर्माण और वर्गीकरण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेल अब विंडोज और मैकिंटोश जैसे प्लेटफॉर्मों का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन एक्सेल 2010 विंडो के ऊपरी बाएं कोने में एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल बटन है। बटन पर क्लिक करने पर एक मेनू प्रकट होता है। मेनू का उपयोग कई फाइल बनाने के लिए, मौजूदा फाइल को खोलने के लिए, फाइलों को सेव करने के लिए और कई अन्य कार्य को करने के लिए किया जाता है। क्विक एक्सेस टूलबार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन से अगला क्विक एक्सेस टूलबार है। क्विक एक्सेस टूलबार आदेशों को एक्सेस करने के लिए है जिसे उपयोगकर्ता अक्सर उपयोग करते हैं। क्विक एक्सेस टूलबार को अंडू, रीडू और प्रिंट विकल्पों के साथ बांटा गया है। सेव बटन उपयोगकर्ता फाइल को सेव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अंडू उपयोगकर्ता द्वारा रोल पुनर्प्राप्ति करने के लिए प्रयोग किया जाता है और रीडू विकल्प में उपयोगकर्ता द्वारा रोल पुनर्प्राप्ति को पुनः लागू किया जाता है।
टाइटल बार। क्विक एक्सेस टूल बार से अगला टाइटल बार है। टाइटल बार पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्तमान वर्कशीट का नाम प्रदर्शित करता है। टाइटल बार के दाईं ओर दिए गए बटन मिनिमाइज कम करने के लिए, मैक्सिमाइज अधिकतम करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए और प्रोग्राम विंडो को बंद करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। रिबन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में रिबन एक्सेल विंडो के शीर्ष पर और क्विक एक्सेस टूलबार के नीचे स्थित है। रिबन में कई टैब शामिल है। एक टैब पर क्लिक करते ही यह कई संबंधित कमांड ग्रुप और प्रत्येक समूह के कमांड बटन को प्रदर्शित करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रिबन होम विंडो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रिबन इंसर्ट विंडो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रिबन पेज लेआउट विंडो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रिबन फॉर्मूला विंडो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रिबन डेटा विंडो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रिबन रिव्यू विंडो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रिबन व्यू विंडो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रिबन एडन्स विंडो। फॉर्मूला बार। अगर फॉर्मूला बार को चालू किया गया है तो तैनात कक्ष की सेल्स का पता नाम बॉक्स में प्रदर्शित किया जाता है जो फॉर्मूला बार की बाई ओर स्थित है। सेल्स प्रविष्टियों फॉर्मूला बार के दाईं ओर पर प्रदर्शित करती है। अगर फॉर्मूला बार विंडो पर नहीं दिखाई दे रहा है तो निम्न चरणों का पालन करें। व्यू टैब को चुनें। फॉर्मूला बार को बढ़ाने के लिए शो और हाइड समूह में फॉर्मूला बार पर क्लिक करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रिबन एक्रोबेट विंडो। मेनू और संवाद बक्से तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ता बटन पर क्लिक कर सकते हैं। एक संवाद बॉक्स लॉन्चर एक समूह के निचले दाएं कोने पर देखा जा सकता है। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर क्लिक करते समय डायलॉग बॉक्स अतिरिक्त कमांड उपलब्ध कराता है।
एक्सेल शॉर्टकट कुंजी। F2 चयनित सेल्स को संपादित करें। F5 विशेष सेल्स के पास जाने के लिए, उदाहरण के लिए C6। F7 चयनित पाठ और या दस्तावेज की जांच को सूचित करना। F11 चार्ट बनाए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वर्तमान समय दर्ज करें। कंट्रोल प्लस आज की तारीख दर्ज करें। ऑल प्लस शिफ्ट प्लस F1 न्यू वर्कशीट डालें। शिफ्ट प्लस F3 एक्सेल फॉर्मूला विंडो को खोलें। शिफ्ट प्लस F5 सर्च बॉक्स लाने के लिए। कंट्रोल प्लस ये वर्कशीट की सभी का तत्व चयन करें। कंट्रोल प्लस बी बोल्ड हाइलाइटेड सिलेक्शन। कंट्रोल प्लस आई इटैलिक हाइलाइटेड सिलेक्शन। कंट्रोल प्लस के लिंक इंसर्ट करें। कंट्रोल प्लस यू रेखांकित हाइलाइटेड सिलेक्शन। कंट्रोल प्लस फाइव स्ट्राइक के माध्यम से हाइलाइटेड सिलेक्शन। कंट्रोल प्लस पी प्रिंटिंग शुरू करने के लिए प्रिंट डायलॉग बॉक्स को लेना। कंट्रोल प्लस जेड अंतिम क्रिया को अंडू करें। कंट्रोल प्लस F9 वर्तमान विंडो को मिनिमाइज न्यूनतम करने के लिए। कंट्रोल प्लस F10 वर्तमान में चयनित विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए। कंट्रोल प्लस F6 ओपन वर्कबुक और विंडो के बीच स्विच करने के लिए। कंट्रोल प्लस पेज अप उसे एक्सेल दस्तावेज में एक्सेल वर्कशीट के बीच ही मूव करना। कंट्रोल प्लस पेज डाउन उसे एक्सेल दस्तावेज में एक्सेल वर्कशीट के बीच ही मूव करना। कंट्रोल प्लस टैब ऑल्ट प्लस इक्वल ऊपर सेल्स का योग करने के लिए एक फॉर्मूला बनाए। कंट्रोल प्लस वर्तमान में चयनित सेल्स में ऊपर सेल्स के मूल्य को इंसर्ट करें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्प विराम फॉर्मेट में फॉर्मेट संख्या को परिवर्तित करें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर करेंसी फॉर्मेट में फॉर्मेट संख्या को परिवर्तित करें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश दिनांक फॉर्मेट में फॉर्मेट संख्या को परिवर्तित करें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज प्रतिशत फॉर्मेट परसेंटेज में फॉर्मेट संख्या को परिवर्तित करें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट वैज्ञानिक फॉर्मेट में फॉर्मेट संख्या को परिवर्तित करें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेट टाइम फॉर्मेट में फॉर्मेट संख्या को परिवर्तित करें। कंट्रोल प्लस एरो की पाठ के अगले भाग में ले जाए। कंट्रोल प्लस स्पेस संपूर्ण कॉलम का चयन करें। शिफ्ट प्लस स्पेस पूरी रो का चयन करें। स्प्रेडशीट खोलने के लिए इस वीडियो में हम स्प्रेडशीट खोलने के लिए के बारे में जानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल निम्नलिखित तरीके से शुरू किया जा सकता है। एक्सेल 2010 शुरू करने के लिए ऑल प्रोग्राम्स पर जाए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2010 को चुने। टास्क बार पर एक्सेल आइकॉन पर एक बार क्लिक करें या डेस्कटॉप पर एक्सेल चिन्ह पर डबल क्लिक करें। यहाँ एक नया रिक्त वर्कबुक डेटा को दर्ज करने के लिए तैयार है। सेल्स को संबोधित करने के लिए इस वीडियो में हम सेल्स को संबोधित करने के लिए के बारे में जानेंगे। सेल्स एक स्प्रेडशीट के बुनियादी आयताकार ब्लॉकों का निर्माण कर रहे हैं। वह एक एड्रेसिंग पर आवंटित किए जाते हैं। आमतौर पर कॉलम और रो के अनुसार उन्हें सेल्स संदर्भ के रूप में भेजा जाता है।
एक्सेल द्वारा स्प्रेडशीट में एक सेल्स का पता पूरे स्प्रेडशीट में सेल्स का पता लगाने के लिए जाता है। प्रत्येक वर्कशीट सेल से बना है और सेल्स रो और कॉलम के इंटरसेक्शन का परिणाम है। सेल्स का पता कॉलम लेटर और सेल्स की रो संख्या का एक संयोजन है, जैसे A1 या C6। रो और कॉलम डेटा भंडारण के लिए बुनियादी इकाइयां हैं। प्रत्येक सेल्स को इंटरसेक्शन से उनका नाम मिल जाता है। यदि कॉलम सी और रो संख्या 4 के रूप में है तो सेल्स का पता C4 होगा। समलग्न सेल्स के एक समूह को रेंज कहा जाता है। सेल्स रेंज का उदाहरण G1, G3, G5 होगा, इक्वल G3, G5, जहां G1 अर्थ के लिए। सभी फॉर्मूला प्रविष्टियों एक इक्वल बराबर पर हस्ताक्षर के साथ शुरू करना चाहिए। स्प्रेडशीट की प्रिंटिंग का तरीका। इस वीडियो में हम स्प्रेडशीट की प्रिंटिंग का तरीका के बारे में जानेंगे। एक्सेल अपने उपयोगकर्ताओं की वर्कशीट के लिए प्रिंटिंग के विभिन्न विकल्प प्रदान करता है। प्रिंट रिव्यू विकल्प की मदद से मुद्रण रिव्यू समूह के अंतर्गत स्थित 7 वर्कशीट डेटा रिव्यू करने के लिए सक्षम बनाता है। उपयोगकर्ता अपनी वर्कशीट को बढ़ाने के लिए मार्जिन, फॉन्ट, हेडर और फुटर सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल वर्तमान वर्कशीट को प्रिंट करता है जब प्रिंट कमांड को फाइल मेनू द्वारा चुना जाता है। प्रिंट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल बटन को क्लिक करें और उसके बाद प्रिंट या कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस पी कॉम्बिनेशन कुंजी का इस्तेमाल करें। उपयोगकर्ता भी उन वर्कशीट का चयन करके चयनित श्रेणी को प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट डायलॉग बॉक्स के रूप में नीचे चित्र में दिखाया गया है। प्रिंट करने के लिए प्रिंटन रेंज का चयन करें और ओके को क्लिक करें।
कई स्थितियों में जहां उपयोगकर्ता कई बार प्रिंटिंग के लिए एक ही सीमा निर्देश की विरक्ति से बचने के लिए बार बार एक ही प्रिंटिंग रेंज डाल देता है, उपयोगकर्ताओं आसानी से प्रिंट क्षेत्र में रेंज को परिभाषित कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू वर्कशीट। प्रिंट प्रीव्यू वर्कशीट द्वारा उपयोगकर्ता के लिए सही वर्कशीट प्रिंट प्रदान किया जाता है। समय और कागज की बचत के संदर्भ में प्रिंट प्रीव्यू सबसे अधिक मूल्यवान प्रिंटिंग उपकरण है। प्रिंट टाइटल। अगर एक्सेल शीट से पृष्ठ अधिक लंबा है तो प्रिंट टाइटल आदेश उपयोगकर्ता टाइटल रो पर या स्प्रेडशीट के हर पृष्ठ पर कॉलम को शामिल करने की सुविधा देता है। उपयोगकर्ता के प्रिंट आउट में रो और कॉलम स्प्रेडशीट को हर पृष्ठ पर दिखाया जाता है, जो डेटा को पढ़ने में आसान बनाता है। पेज ब्रेक। अगर वर्कशीट एक से अधिक पेपर पर आता है तो पेज ब्रेक का उपयोग किया जाता है, जिससे जो डेटा पेज पर होना चाहिए वही रहता है। वर्कशीट में पेज ब्रेक डालने पर डेटा को अलग पेज या अगले पृष्ठ पर ले जाया जाता है। उपयोगकर्ताओं के अनुसार यह डेटा को अलग पेज पर बांटने के लिए आवश्यक है। पेज ब्रेक रिव्यू का इस्तेमाल रिबन विंडो को देखने और पेज ब्रेक रिव्यू को बटन क्लिक करने के लिए किया जाता है। सेविंग वर्कबुक। इस वीडियो में हम सेविंग वर्कबुक के बारे में जानेंगे। जब भी वर्कबुक बनाई गई है, मूलभूत रूप से इन्हें वर्कबुक 1, वर्कबुक 2 जैसे नाम दिए गए हैं। वर्कबुक में सेविंग वर्कशीट को स्थायी बनाया जाता है। जिसमें इसे सेव करने के लिए फाइल मेनू से सेव विकल्प का चयन करें। उपयोगकर्ता स्टैंडर्ड टूल बार भी सेव बटन को क्लिक कर सकते हैं। फाइल नाम को सेव करने के लिए और वर्कबुक निर्दिष्ट करने के लिए उसे सेव किया जाना चाहिए। उपयोगकर्ता किसी भी समय इस फाइल को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। एक्सेल उपयोगकर्ता वेब पर वर्कबुक डेटा प्रकाशित करने के लिए और यहाँ तक कि हाइपरलिंक का उपयोग करके अन्य फाइल करने की अनुमति देता है। उपयोगकर्ता फाइल को वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रकाशित करने के लिए एक्सेल वर्कशीट को HTML फाइल के रूप में सेव कर सकता है। ऐसा करने के लिए उपयोगकर्ता सेव विकल्प लिस्ट द्वारा HTML फाइल के रूप में सेव कर सकता है। एंट्रिंग टेक्स्ट, नंबर्स और डेट्स
इस वीडियो में हम एंट्रिंग टेक्स्ट, नंबर्स और डेट्स के बारे में जानेंगे। टेक्स्ट प्रविष्टियां संख्या, अक्षर या सिंबल हो सकते हैं। जिन मामलों को नंबर की जरूरत नहीं होती है, वहां नंबर को टेक्स्ट की तरह माना जा सकता है। उदाहरण के लिए टेलीफोन नंबर, रिकॉर्ड संख्या, जिप कोड, रोल नंबर। एक्सेल डेटा का प्रकार निर्धारण करने के लिए डेटा का अध्ययन करता है। डेट्स और टाइम एंट्रिंग, दिनांक और समय प्रविष्टियों भी एक्सेल वर्कशीट में बनाई जा सकती है। एक्सेल डेट्स दिनांक की गणना की अनुमति देता है, क्योंकि यह डेट्स के प्रवेश को सीरियल डेट दिनांक नंबर में बदल देता है। उदाहरण के लिए किसी इंसान की जन्म तिथि में से वर्तमान दिनांक को घटाने पर हमें उसकी आयु का पता लग सकता है। एक्सेल डेट्स और टाइम तारीख और समय केवल तभी पहचानता है जब वे सही स्वरूप में निर्दिष्ट किए गए हैं। सेल्स में डेटा डालने के लिए माउस के साथ सेल्स पर क्लिक करें और डेटा लिखें। यह केवल तभी किया जा सकता है जब प्रोग्राम एडिट मोड में है। जब एडिट मोड बंद है और एरे को बंद कर दिया है, तो डेटा को बदला नहीं जा सकता है। सेल्स को भी एरो कुंजियों का उपयोग करके नेविगेट किया जा सकता है। सेल्स में कोई भी टेक्स्ट शामिल किया जा सकता है, परंतु सारे फंक्शन लगभग नंबर होने चाहिए। अल्पविराम और दशमलव बिंदु दोनों को दशमलव विभाजक के रूप में स्वीकार किया गया है। अनुपस्थिति और उपस्थिति डेटा 0 या 1 क्रमशः के रूप में कोडित किए गए हैं। किसी भी अन्य सकारात्मक संख्या की उपस्थिति के रूप में व्याख्या की जाएगी। एस आनुवंशिक अनुक्रम डेटा, ACGT और U लोअर केस भी स्वीकार का उपयोग कर कोड किए जाते हैं। टेक्स्ट नंबर्स और डेट सीरीज बनाने के लिए इस वीडियो में हम टेक्स्ट नंबर्स और डेट सीरीज बनाने के लिए के बारे में जानेंगे। जब हमें टेक्स्ट नंबर्स और डेट सीरीज में प्रवेश करने की जरूरत है, तो यह प्रारंभिक चयन और सीरीज का अंतिम मान निर्दिष्ट करने के लिए पर्याप्त है। एक्सेल स्वचालित रूप से पूरी सीरीज को उत्पन्न करता है। उपयोगकर्ता के प्रारंभिक मान चयन से रेखीय सीरीज और वृद्धि सीरीज को उत्पन्न कर सकते हैं और उनकी स्थिति निर्धारित कर सकते हैं। सीरीज की शुरुआत के सेल्स में पहला मान दर्ज करें और सेल्स का चयन करें। सेल्स को भरने के लिए उपयोगकर्ता ऑटोफिल हैंडल को खींचे। उपयोगकर्ता द्वारा नंबर की सीरीज और डेट्स की सीरीज डाली जाती है, जो एक विशेष मूल्य के साथ बढ़ाई और घटाई जाती है। एडिटिंग वर्कशीट डेटा। इस वीडियो में हम एडिटिंग वर्कशीट डेटा के बारे में जानेंगे। सेल्स में मौजूद डेटा को एडिटिंग संपादन, जैसे कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, सेल्स के तत्व को हटाना आदि करने की आवश्यकता है। एडिटिंग करने के लिए सेल्स के अंत पर इंटरसेक्शन बिंदु दिए गए हैं, जिससे उसे मूव किया जा सकता है। सेल्स को हटाने के लिए सेल्स के कंटेंट को मिटाया जाता है या सेल्स को डिलीट करने से अलग है। डिलीटिंग सेल्स दूसरी सेल को प्रभावित करने का कारण है, जो उन्हें दाईं ओर और नीचे शिफ्ट कर देता है। रो और कॉलम को इंसर्ट और डिलीट करने के लिए इस वीडियो में हम रो और कॉलम को इंसर्ट और डिलीट करने के बारे में जानेंगे। रो
रो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज होती है और इसे नंबर प्रदान किए जाते हैं। कॉलम, कॉलम वर्टिकल लंबवत होते हैं और इन्हें अक्षर प्रदान किए जाते हैं। उपयोगकर्ता अपनी जरूरत के अनुसार रो और कॉलम और सेल्स को इंसर्ट कर सकता है। नई रो को इंसर्ट करने के लिए रो और कॉलम और सेल्स रेंज के इंटरसेक्शन द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने के लिए वह वर्कशीट के डेटा को शिफ्ट कर देता है। रो और कॉलम को इंसर्ट और डिलीट करने का तरीका नई सेल को सिलेक्ट करने के अलावा सेल्स को डिलीट और उसके इंटरसेक्शन के समान ही है। सेल्स पॉइंटर की स्थिति वहां होगी जहां नई सेल्स को इंसर्ट किया जाएगा। रो हेडर पर माउस द्वारा राइट क्लिक करें और इंसर्ट विकल्प को चुनें। रो को इंसर्ट करने का दूसरा उपाय यह है कि रो को चुनें और माउस द्वारा राइट क्लिक करें और इंसर्ट ऑप्शन को चुनें और फिर पूरी रो को क्लिक करें और रो के बटन को दबाएं। एक्सेल द्वारा नई कॉलम को इंसर्ट किया जाता है और मौजूद रो नीचे शिफ्ट हो जाती है। नए कॉलम को इंसर्ट करने के लिए सेल्स पॉइंटर की स्थिति वहां होनी चाहिए जहां नया कॉलम इंसर्ट करना है। कॉलम हेडर पर माउस द्वारा राइट क्लिक करें और इंसर्ट के विकल्प को चुनें। कॉलम को इंसर्ट करने का दूसरा उपाय यह है कि पहले सेल्स को चुनें और माउस द्वारा राइट क्लिक करें और उसमें इंसर्ट ऑप्शन को चुनें और फिर पूरे कॉलम को क्लिक करें और ओके बटन को दबाएं। एक्सेल द्वारा नया कॉलम इंसर्ट किया जाता है और मौजूद कॉलम दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। रो को डिलीट करने के लिए रो के नंबर को चुनें जिसे उपयोगकर्ता डिलीट करना चाहते हैं। माउस द्वारा राइट बटन को क्लिक करें और शॉर्टकट मेनू द्वारा डिलीट विकल्प को चुनें। कॉलम को डिलीट करने के लिए कॉलम में दिए गए अक्षर को चुनें जिसे उपयोगकर्ता डिलीट करना चाहते हैं। माउस द्वारा राइट बटन को क्लिक करें और शॉर्टकट मेनू द्वारा डिलीट विकल्प को चुनें। चेंजिंग सेल हाइट एंड विड्थ बदलने के लिए इस वीडियो में हम सेल्स की लंबाई और चौड़ाई बदलने के लिए के बारे में जानेंगे। The data when entered into the cells is sometimes too long for the column width and row height to accommodate to adjust as per requirement. समायोजित करना पड़ता है। The default row height is 15 points.
The default column width is 8.43 points. High 12.7515 point 17 pixel. The user can increase the column width and row height to display the entire cell entry. 8.43 point 64. Position the mouse pointer on the right border of the heading of the column that has the width to be changed. Press the mouse button and drag it to the right to increase the column width or towards the left to decrease the width. Mouse pointer ko column ke sheeshak ke right border ke paas sthit kiya jana chahiye. माउस के बटन को दबाएं और कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए उसे दाईं ओर खींचे और चौड़ाई को कम करने के लिए बाईं तरफ खींचे। फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए इस वीडियो में हम फॉर्मूला इस्तेमाल करने के बारे में जानेंगे। एक्सेल स्प्रेडशीट के लिए फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है। सेल्स एड्रेस और नंबर को प्रचलित करने के लिए फॉर्मूला में गणितीय सिंबल का उपयोग हुआ है। फॉर्मूला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के गणितीय ऑपरेटर्स और मूल्यों का एक सम्मिलन है। गणितीय ऑपरेटर्स में निम्नलिखित सिंबल शामिल है। जोड़ने के लिए हम कोष्ठक और दशमलव का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला का इस्तेमाल करने के लिए प्रत्येक सेल्स में फॉर्मूला लिखा जाता है, तभी वह गणना करता है। फॉर्मूला के अंतर्गत नामित सेल्स और सेल्स रेंज भी आते हैं। एक्सेल फॉर्मूला की कार्यक्षमताएं सेल्स को सही फॉर्मूला देने और सेल्स के कंटेंट बदलने के लिए कार्य करती है। परिणाम की गणना के लिए स्वचालित पुनर्गणना का इस्तेमाल किया जाता है और फॉर्मूला को एक्टिव सेल्स में डालने के बाद एंटर कुंजी को दबाएं। यह निरीक्षण किया जा रहा है कि सेल्स परिणाम दर्शाती है और फॉर्मूला बार फॉर्मूले तथा अभिव्यक्ति को दर्शाता है। फॉर्मूला द्वारा ही गणना की जाती है जो सेल्स में परिणाम को प्रदर्शित करते हैं। सेल्स एक फॉर्मूला प्रदान करती है जिसके दो संघटक फॉर्मूला और परिणाम मूल्य है। विशेष सेल्स पर माउस द्वारा सेल्स को चुनने के लिए क्लिक करने पर ही फॉर्मूला प्रदर्शित किया जाता है, अन्यथा यह बस परिणाम ही प्रदर्शित करता है। फॉर्मेट के अनुसार फॉर्मूला सेल्स को मूल्य और रेंज प्रदान करता है। जब सेल्स फॉर्मूले को शामिल करती है तो वह अन्य सेल्स को भी संदर्भ प्रदान करती है। इसमें सेल्स के संदर्भ में वेरिएबल शामिल है। यह मूल्य संदर्भित सेल्स या इसके बारे में कुछ विचलन का मूल्य है। प्रामाणिक फॉर्मूला उपलब्ध विकल्पों में विशेष स्प्रेडशीट कार्यान्वयन पर निर्भर करते हैं। वास्तविकता में व्यावसायिक स्प्रेडशीट्स पर अरिथमेटिक ऑपरेशन तथा कंडीशनल ऑपरेशन प्रदर्शित किए जाते हैं। आधुनिक उपकरण भी कस्टम निर्माण कार्यों, रिमोट डेटा और अनुप्रयोगों का उपयोग करने के लिए कार्य करते हैं। फॉर्मूला कई बार प्रतिबंध के साथ और उसके बिना ही वास्तविक गणना और कभी कभी पहचान करने और त्रुटियों को उजागर करने के लिए विशुद्ध रूप से प्रयोग किया जाता है। अगर स्प्रेडशीट फॉर्मूला में फॉर्मूला शामिल नहीं है तो इस मामले में डेटा को रो और कॉलम जैसे कि कैलेंडर, टाइम टेबल और कोई साधारण सूची की तरह की व्यवस्था में डेटा का एक संग्रह पर विचार किया जा सकता है। कई स्प्रेडशीट फॉर्मेटिंग हाइपरलिंकिंग को आसानी से प्रयोग किए जाने के लिए उपयोग करती है। फॉर्मूला बनाने के लिए इस वीडियो में हम फॉर्मूला बनाने के बारे में जानेंगे। एक्सेल में सभी फॉर्मूला इक्वल से शुरू होते हैं। अगर कोई उपयोगकर्ता बिना इस सिंबल के कुछ डालता है तो एक्सेल इसे टेक्स्ट की तरह ही लेता है। सेल्स में फॉर्मूला डालने के लिए उस सेल्स पर क्लिक करें और फॉर्मूला लिखें। जब उपयोगकर्ता ने फॉर्मूला को डाल दिया है तब एंटर दबाएं और टैप करें दूसरी सेल्स में जाने के लिए।
फॉर्मूला में दी गई संख्या के परिणाम कभी नहीं बदलते हैं। उदाहरण के लिए 200 into 7 हमेशा 1400 ही परिणाम देगा। हालांकि फॉर्मूला में सेल्स के संदर्भ में दी गई संख्या का परिणाम बदल सकता है। उदाहरण के लिए इक्वल C2 प्लस D2 फॉर्मूला में C2 और D2 सेल्स में दी गई संख्या के अनुसार ही परिणाम प्रदर्शित होगा। वर्कशीट में फॉर्मूला को देखने के लिए कंट्रोल और एपोस्ट्रॉफी कुंजी को साथ में दबाएं। फॉर्मूला को छुपाने और मूल्य को दिखाने के लिए पुनः प्रयोग करें। एक्सेल में फॉर्मूला परिणाम की गणना के लिए गणितीय स्टैंडर्ड ऑपरेशन का अनुसरण करता है। उदाहरण के लिए फॉर्मूला इक्वल A2 प्लस B2 इंटू C2 में पहले वह B2 इंटू C2 को गुणा करेगा, फिर उसे A2 सेल्स में जोड़ेगा। अगर फॉर्मूला में कोई भाग पैरेंथेसिस में है तो यह उसकी गणना पहले करता है। फंक्शन। इस वीडियो में हम फंक्शन के बारे में जानेंगे। फंक्शन पूर्व निर्धारित फॉर्मूले हैं जो निर्दिष्ट मूल्य पर घटना करते हैं जिसे आर्गुमेंट्स कहते हैं, और विशेष ऑर्डर पर भी घटना करते हैं जिसे सिंटैक्स कहा जाता है। फंक्शन नियमित फॉर्मूले से अलग होते हैं जिसमें उपयोगकर्ता केवल मूल्य की आपूर्ति करता है ना कि ऑपरेटर्स की। उदाहरण के लिए सम फंक्शन मूल्य जोड़ने के लिए और सेल्स को रेंज देने के लिए प्रदान किया जाता है। फंक्शन की मदद से फॉर्मूला टाइप करने के लिए स्टैंडर्ड टूल बार से ऑटो सम सिग्मा से बटन को क्लिक करें। फंक्शन का उपयोग करने के लिए दूसरा तरीका इंसर्ट फंक्शन fx है, जो स्टैंडर्ड टूल पर fx सिंबल के रूप में मौजूद है। फंक्शन वर्ग की सूची एक्सेल में निर्मित फंक्शन को दर्शाती है जो आवश्यक फंक्शन को चुनने के लिए प्रदान की गई है। आमतौर पर स्प्रेडशीट कई आपूर्ति फंक्शन जैसे कि अर्थमैटिक ऑपरेटर्स, उदाहरण के लिए योग, औसत आदि, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, स्टैटिस्टिकल फंक्शन आदि प्रदान करते हैं। इसके अलावा इसमें उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित फंक्शन के लिए एक प्रावधान है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कार्यों की आपूर्ति की विजुअल बेसिक संपादक में आवेदन और इस तरह के कार्यों के लिए विजुअल बेसिक का उपयोग परिभाषित किया जा रहा है, और ये फंक्शन वर्कशीट पर स्वचालित रूप से पहुंच रहे हैं। इसके अलावा वर्कशीट पर प्रोग्राम को पूरी जानकारी के साथ लिखा जाता है और गणना की जाती है, और फिर परिणाम की रिपोर्ट को वर्कशीट पर प्रदर्शित किया जाता है। नामित वेरिएबल जैसे कि एक्स एंड वाई को स्प्रेडशीट की परिभाषाएं द्वारा नेम मैनेजर पर दिखाया जाता है। फंक्शन के उदाहरण जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और सम औसत आदि है। बिल्ट इन फंक्शन। इस वीडियो में हम बिल्ट इन फंक्शन के बारे में जानेंगे। एक्सेल में फंक्शन बिल्ट इन बनाने के लिए फॉर्मूला विजार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्ट इन फंक्शन को निम्नलिखित तरीकों से वर्गीकृत किया गया है। गणितीय और ट्रिग्नोमेट्रिक, नंबर को डेटा की तरह ले, उसे बदले और संख्यात्मक परिणाम निकाले। उदाहरण के लिए साइन और निरपेक्ष मूल्य गणित के फंक्शन हैं। लॉजिकल, यह स्थिति को ध्यान में रखते हुए सही और गलत बताता है। टेक्स्ट, यह स्ट्रिंग को बनाने और मैनिपुलेट करने के लिए है। लुकअप और संदर्भ, वर्कशीट के क्षेत्र की जांच और मैनिपुलेट करने के लिए। स्टैटिस्टिकल, नंबर के सेट में से स्टैटिस्टिकल मूल्य को प्रदान करना, उदाहरण के लिए औसत, काउंट, न्यूनतम, अधिकतम आदि। डेटाबेस, स्टैटिस्टिकल की तरह ही यह डेटाबेस से डेटा सेट्स लेता है। डेट और टाइम, यह डेट
टाइम और डेट व टाइम की सहियों की गणना प्रदर्शित करता है। इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होने वाली गणना, जिनमें से कई बेसल फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर और अलग अलग मूल को बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फाइनेंशियल या अभ्यास महीने का भुगतान परिदृश्यों की गणना में सहायता करते हैं। इंफॉर्मेशन सेल्स के तत्व के बारे में जानकारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गणितीय गणना फंक्शन या क्या करते हैं। सम इसके आर्गुमेंट्स जोड़ने के लिए हैं। सम इफ यह सेल्स को निर्दिष्ट एक या कई दिए गए मापदंडों के साथ जोड़ता है। सम प्रोडक्ट दो एरे के उत्पाद का योग प्रदान करता है। सब टोटल डेटाबेस और फिल्टर्ड सूची का पूर्ण योग प्रदान करता है। ट्रंक पूर्णांक के लिए छोटा नंबर प्रदान करना। राउंड निर्धारित संख्या तक नंबर को क्रम से करना। राउंड यह ऊपर के नंबर को क्रम से देता है जो शून्य से अलग हो। आईएनटी या नीचे के नंबर को क्रम से देता है जो पूर्णांक के पास हो। एबीएस यह नंबर के निरपेक्ष मूल्य को वापस प्रदान करता है। मोड यह डिवीजन के रिमाइंडर को वापस प्रदान करता है। एसक्यूआरटी यह पॉजिटिव स्क्वायर रूट वापस प्रदान करता है। पावर नंबर की पावर का रिजल्ट वापस प्रदान करता है। चार्ट इस वीडियो में हम चार्ट के बारे में जानेंगे। चार्ट डेटा का एक चित्रमय प्रतिनिधित्व है जिसमें डेटा को पैटर्न के रूप में दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए बार चार्ट में बार, लाइन चार्ट में लाइन, पाई चार्ट में स्लाइस आदि। एक्सेल में एक सिंपल चार्ट को नंबर से भरी हुई शीट की तरह ही माना जाता है। डेटा चार्ट डायग्राम और ग्राफ की तरह है जो संख्यात्मक और गुणात्मक डेटा का आयोजन और प्रतिनिधित्व करता है। मैप जो विशेष कार्य के लिए तथा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं उन्हें चार्ट कहा जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री चार्ट और वैमानिक चार्ट। विकास दर विश्लेषण और मासिक बिक्री रिपोर्ट जैसे कठिन कार्य चार्ट की मदद से काफी दिलचस्प और समय संरक्षित हो गया है। चार्ट को बनाने के लिए उपयोगकर्ता को सेल्स की रेंज को चुनना होगा जिसके दोनों तरफ लेबल्स और संख्या मूल्य मौजूद है। उपयोगकर्ता स्टैंडर्ड टूल बार में से चार्ट विजार बटन का उपयोग कर सकता है। वर्कबुक में चार्ट शीट द्वारा चार्ट बनाए जाते हैं और वर्कशीट में स्थापित किए जाते हैं। उपयोगकर्ता चार्ट विजार्ड का इस्तेमाल करके निम्नलिखित तरीके द्वारा चार्ट बना सकते हैं। चार्ट में टाइटल टैब को जोड़ने या तथा हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्सिस को एक्सिस मूल्य को ऑन तथा ऑफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्रिड लाइन्स टैब को एक्स और वाई एक्सिस के समानांतर ग्रिड लाइंस दिखाने के लिए किया जाता है। लिजन टैब को लिजन को ऑन तथा ऑफ स्विच करने के लिए और चार्ट्स मई लगाना के लिए और चार्ट्स मई लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेटा लेबल्स टैब सीरीज में लेबल और मूल्य को जोड़ने और हटाने के लिए है। डेटा टेबल टैब चार्ट में से
डेटा की सोर्स और लिंक्स हटाने के लिए है। चार्ट की विशेषताएं। इस वीडियो में हम चार्ट की विशेषताएं के बारे में जानेंगे। चार्ट कई फॉर्म में उपलब्ध है, हालांकि सभी चार्ट की विशेषताएं अपनी क्षमता के अनुसार डेटा में से जरूरी जानकारी उपलब्ध करना है। डेटा को चार्ट में रेखांकन और चित्र द्वारा दर्शाया जाता है। यह माना जाता है कि मानव टेक्स्ट और संख्या की बजाय रेखांकन और चित्र द्वारा जल्दी जानकारी प्राप्त कर लेता है। टेक्स्ट को केवल डेटा की व्याख्या करने के लिए उपयोग किया जाता है। टेक्स्ट द्वारा ग्राफ में टाइटल दिया जाता है। ग्राफ टाइटल को ग्राफ में सबसे ऊपर दिया जाता है, क्योंकि वह ग्राफ के डेटा की पूरी जानकारी प्रदान करता है। डेटा के आयाम को एक्सेस पर दर्शाया जाता है। अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस का उपयोग किया जाता है तो उन्हें एक्स और वाई एक्सिस कहा जाता है। हर एक्सिस का एक स्केल होता है, जिसे आवधिक ग्रेजुएशन के साथ न्यूमेरिकल और कैटेगरिकल इंडेक्शंस कहा जाता है। हर एक्सिस में अंदर और बाहर दोनों जगह लेबल दर्शाए जाते हैं, जो कि आयाम को संक्षिप्त रूप से दर्शाता है। अगर स्केल संख्यात्मक है तो लेबल पर उसकी यूनिट के सफिक्स पैरेंथेसिस में दिखाए जाएंगे। उदाहरण के लिए एक्स एक्सिस द्वारा दूरी मीटर्स में तय की गई है, जो चार्ट में दिए गए हॉरिजॉन्टल श्रेणी में दर्शाया गया है। ग्राफ में ग्रिड लाइंस डेटा के विजुअल अलाइनमेंट की मदद के लिए दी गई है। ग्रिड को नियमित या महत्वपूर्ण ग्रेजुएशन पर लाइन को विजुअल एम्फेसिस द्वारा बढ़ाया जा सकता है। एम्फेसिस Z लाइंस को मेजर ग्रिड लाइंस भी कहा जाता है और रिमाइंडर को माइनर ग्रिड लाइंस कहा जाता है। चार्ट का डेटा हर फॉर्मेट में उपलब्ध है और चार्ट में इंडिकेट पोजीशन के साथ विशिष्ट टेक्सचुअल लेबल, जो विवरण संबंधित का वर्णन करता है, शामिल है। डेटा डॉट और शेप, कनेक्टेड और अनकनेक्टेड और कलर तथा पैटर्न का संयोग दिया गया है। अनुमान या अभ्यास के अंक को अधिक जानकारी के निष्कर्षण सहायता करने के लिए ग्राफ पर दिया जाता है। चार्ट पर दिए गए डेटा में एकाधिक वेरिएबल मौजूद होते हैं। चार्ट में लिजन कुंजी भी मौजूद है। लिजन में चार्ट में दर्शाई जाने वाली वेरिएबल की सूची दी गई है। यह जानकारी चार्ट में वेरिएबल को पहुंचाने के लिए डेटा को अनुमति देती है। चार्ट के प्रकार। इस वीडियो में हम चार्ट के प्रकार के बारे में जानेंगे। चार्ट वर्कशीट में दी गई जानकारी को ग्राफिक फॉर्मेट में बदलने की अनुमति देता है। एक्सेल में निम्नलिखित चार चार्ट साधारण रूप से दिए गए हैं। 1. हिस्टोग्राम चार्ट, 2. बार चार्ट, 3. पाई चार्ट, 4. लाइन चार्ट।
हिस्टोग्राम चार्ट बार चार्ट पाई चार्ट लाइन चार्ट हिस्टोग्राम चार्ट। इस वीडियो में हम हिस्टोग्राम चार्ट के बारे में जानेंगे। हिस्टोग्राम चार्ट चित्रमय प्रतिनिधित्व के रूप में डेटा को विभाजित करते हैं। हिस्टोग्राम को टेबल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि सटे हुए आयत एक क्षेत्र के अंतराल में टिप्पणियों की आवृत्ति के लिए आनुपातिक के अनिरंतर अंतराल पर खड़ा किया है। आयतकर की लंबाई आवृत्ति घनत्व के बराबर होनी चाहिए। आवृत्ति को मध्यांतर की चौड़ाई द्वारा बांटा जाता है। हिस्टोग्राम के कुल क्षेत्र को डेटा की संख्या के अनुसार बांटा जाता है। हिस्टोग्राम सामान्यकृत रूप से संबंधी आवृत्ति का रूप है। इसमें कई मामलों के कुल क्षेत्रफल के बराबर के अनुपात का पता चलता है, जो एक साथ कई श्रेणियों में से प्रत्येक में शामिल हुए हैं। यह वेरिएबल को क्रमागत अंतिव्यापी अंतराल के रूप में निर्देश कर रहे हैं। यह श्रेणी अंतराल आपस में सटे हुए हैं और इन्हें एक ही आकार से चुना जाता है। हिस्टोग्राम में आयत बनाए जाते हैं ताकि वह साथ में मिलकर निरंतर रूप से वास्तविक मूल्य प्रदान करे। हिस्टोग्राम अंतर्निहित वेरिएबल की संभावना घनत्व फंक्शन का आकलन घनत्व के आकलन के लिए डेटा के घनत्व का आकलन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो हमेशा एक सामान्यकृत रहते हैं। हिस्टोग्राम बनाने के लिए स्प्रेडशीट में डेटा को चुनें और फिर इंसर्ट रिबन पर जाएं और कॉलम बटन को क्लिक करें। बार चार्ट। इस वीडियो में हम बार चार्ट के बारे में जानेंगे। बार ग्राफ को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही रूप से श्रेणी की तुलना को दर्शाता है। बार चार्ट में एक एक्सिस पर विशिष्ट श्रेणी प्रदान की जाती है, जिसकी तुलना दूसरे एक्सिस पर दी गई अनिरंतर मूल्य के साथ की जाती है। कुछ बार ग्राफ एक से अधिक संकुल समूह ग्रुप बार ग्राफ को दर्शाते हैं और कुछ बार को संचय प्रभाव स्टैक बार ग्राफ को दर्शाने के लिए उप भागों में बांट दिया जाता है। बार ग्राफ की रेंज अनिरंतर होती है। बार चार्ट मुख्य रूप से स्केल्ड होती है, जिसके कारण सारा डेटा चार्ट में सम्मिलित हो जाता है। चार्ट पर बार को किसी भी अनुक्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। बार चार्ट को ऊपर से नीचे के पैमाने के रूप में बनाया जाता है, जिसे पारेटो चार्ट कहा जाता है। आमतौर पर बार चार्ट आवृत्ति को कालानुक्रमिक समय क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। बार ग्राफ आमतौर पर प्रत्येक समूह में एक ही क्रम की जानकारी को प्रस्तुत करता है। स्टैक बार हर एक बार में उसी क्रम में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। बार चार्ट स्पष्ट डेटा की विश्वर प्रस्तुति को प्रदान करते हैं। स्पष्ट डेटा अनिरंतर समूह में डेटा का समूहीकरण करता है, जैसे कि साल के महीने आयु वर्ग जूते के आकार और जानवरों का आकलन आदि।
कॉलम बार चार्ट में श्रेणी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर होती है और बार की लंबाई प्रत्येक श्रेणी के मान से मेल खाती है। बार ग्राफ्स को पेचीदा डेटा की तुलना के लिए समूह बार चार्ट और स्टैक बार चार्ट के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। समूहीकरण बार चार्ट में प्रत्येक श्रेणी के समूह के लिए दो या अधिक बार दिए जाते हैं और यह कलर कोडेड बार एक विशेष समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। बार चार्ट अनिरंतर सीरीज को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बार चार्ट हिस्टोग्राम से मिलता जुलता है या केवल डेटा के प्रकार के साथ बदल जाता है। बार चार्ट पर जाने के लिए स्प्रेडशीट पर दिए गए डेटा को सिलेक्ट करें और फिर इंसर्ट रिबन पर जाएं और बार चार्ट बटन को क्लिक करें। पाई चार्ट। इस वीडियो में हम पाई चार्ट के बारे में जानेंगे। पाई चार्ट एक वृत्तीय आकार डेटा है। वृत्तीय आकार डेटा है जो क्षेत्रों में बांटा जाता है और संख्यात्मक अनुपात को दर्शाता है। पाई चार्ट में वृत्त खंड की लंबाई और फलस्वरूप अपने केंद्रीय कोण और क्षेत्र की मात्रा का प्रतिनिधित्व करने के लिए आनुपातिक है। पाई को उसकी ही समानता के लिए नामित किया गया है क्योंकि वह स्लाइस में डेटा को प्रदर्शित करता है। इसको प्रदर्शित करने के लिए बदलाव किए जा रहे हैं। पाई चार्ट को व्यापार के लिए तथा संचार मीडिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाई चार्ट को कई बार अन्य भूखंडों के साथ बदल दिया जाता है, जैसे कि बार ग्राफ आदि। पाई चार्ट पर जाने के लिए स्प्रेडशीट में से डेटा को चुने और फिर इंसर्ट रिबन पर जाए और पाई चार्ट बटन पर क्लिक करें। लाइन चार्ट। इस वीडियो में हम लाइन चार्ट के बारे में जानेंगे। लाइन चार्ट और लाइन ग्राफ एक ऐसा चार्ट है जो डेटा पॉइंट्स की एक श्रृंखला के रूप में जानकारी प्रदर्शित करता है, जिसे मार्कर कहा जाता है और उन्हें सीधी लाइन के अनुभाग से जोड़ता है। यह सरल प्रकार का चार्ट है जो हर कार्यक्षेत्र में मौजूद होता है। यह स्कैटर बिखराव भूखंड की तरह है, लेकिन यह क्रम आमतौर पर उनके एक्स एक्सिस मूल्य द्वारा के अनुसार मूल्यांकन पॉइंट को लगाता है और उन्हें सीधी लाइन के अनुभाग के साथ जोड़ता है। लाइन चार्ट यह बताता है कि कैसे एक विशेष डेटा बराबर समय के मध्यांतर अंतराल के बाद बदल जाते हैं। लाइन चार्ट समय के मध्यांतर अंतराल के बाद डेटा की धारा को दिखने के लिए बनाए जाते हैं। समय की सीरीज तथा इस प्रकार लाइन कार्यक्रम के अनुसार तैयार की जाती है। लाइन चार्ट पर जाने के लिए स्प्रेडशीट पर दिए गए डेटा को चुनें और फिर इंसर्ट बटन पर जाएं और लाइन चार्ट बटन पर क्लिक करें।